हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? काव ने जन्म कर दिया है और उसका जो वीडियो मैंने बनाया था वो मैंने अपलोड किया है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। और काव के जन्म से पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए वो मैंने वीडियो के साथ साथ आपको बताया है। तो जो फर्स्ट टाइम गाय रख रहा है, हो सकता है उसको हेल्प हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, अभी काऊ जन्म कर रही है जैसे कि आप देख रहे हो। हमने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने गाय को 4 इंजेक्शन दिए थे जिससे कि उसको पेन हो और जो उसकी डिलीवरी है वो जल्दी से हो जाए। तो आप देख रहे हो डॉक्टर आया है। और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें, सभी कुछ सारी चीज़ें समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और फिर आप मैं बहुत सारी बातें जो कि वीडियो में क्लियर कर देती हूँ और बता देती हूँ अच्छे से ही कि नहीं, हम जब थन की खींचते हैं तो काऊ को बिल्कुल पेन नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ आप बार बार ही पूछते रहते हो कि आप दूध निकालने से पहले थन क्यों खींच रहे हो। तो दूध निकालने से पहले तो गाय को पोसाना पड़ता है, इसलिए उसको थन को थोड़ा बहुत हाथ लगा के उसको खींचना पड़ता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आप कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही गाय का जन्म करने का टाइम हुआ तो हमने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर आ गया और अभी उसको जन्म करवा रहे हैं। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दे दिया था और अभी गाय के जन्म करने के बाद में हम इसको जो भी खिलाएंगे और वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना और हमारे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप जो नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तो आपको, क्योंकि हम सिटी में रहते हुए भी विलेज की जैसी लाइफ ही जीते हैं और हमारे लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे गाय रखें। हमें बाहर से भी दूध मिल सकता है लेकिन हम प्योरिटी की तरफ रहते हुए हमें प्योर दूध ही चाहिए, इसके लिए हम गाय रखते हैं। और हम वैसे भी, मम्मी 40 साल से गाय रख रही है, यहाँ पे गाय रखते हुए मम्मी को 40 ईयर्स हो गए हैं। और प्लीज़ सभी कुछ समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाए, आपको गाय के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। गाय जन्म करते टाइम गाय को जो पेन हो रहा था वो मैं नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही थी और मैंने फिर नहीं देखा आगे, क्योंकि मेरे अंदर उतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं वो देख पाऊँ। तो ये ऑनेस्ट की बात है, मैं नहीं देख पाती हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं डिलीवरी करते टाइम देख पाऊँ। तो ये फ़ोन मैंने भैया को दिया था, वो इस थोड़ा बहुत शूट किए हैं, बाकी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो सब देख पाऊँ, इसलिए मैं साइड में चली गई थी। अभी अभी तो ऑपरेशन होगा। लेड़ा मरी गया ना को
निशा चल जी पूरा हां चाल जी पर ये पता नहीं पता ना ए नहीं ए भी उधर है क्वालिफाई रहने से तू वाले पर दे था ना मैं कौन जान जी चार के तले खाए में भी का 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 नाम से ना जा से पूरा बड़ा अच्छी जे पूरा बड़ा भलो अच्छी हाँ पिलाटा पूरा भला ये तो दी दिन भीतर ठिया ही जीवो कल ही ठिया ही जीवो इटा से आज ही चली बो कल ही आए तो प्रॉब्लम ही हो से आज ही चली बो कल ही कोणी आज ही चली जीवो चाटी चाटी को पूरा सफा कर दी थी अरे बच्चे के ऊपर ही डाल दिए नड़े अरे छोटा बीबी के ऊपर ही नड़े डाल दिए ले मरान में पास अच्छा था अच्छा था इसमें बढ़िया क्वालिटी है बड़ा क्वालिटी तो रेड भी तो बड़ा क्वालिटी का ये वर्जन है कौन सा वर्जन है ये एपो फाइव देख वहां पर देख अरे वाह मौसी वो दोनों देख रही है नया मेहमान कौन आ गया मौसी आई इसकी मौसी ये वाली है नहीं 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 इसकी बहन है ना मौसी नहीं ये बहन है वो बहन नहीं है वो उसकी है नहीं नहीं ये वाली है वो दोनों वो उसकी बेटी है मेरे लल्ले जाके दूध को तू पी ले पूरे को साफ कर दी कर कर उठ मेरे लल्ले उठ मेरे लल्ले ये पूरा रेड कलर का है ना दिव्या रेड नहीं ब्राउन कलर का हाँ रेड बोल रही हूँ मैं भी देख ब्राउन केक कलर का है ब्राउन कलर है इसका पूरा वो दूसरा कलर हो जाएगा नहीं यही कलर रहेगा नहीं दूसरा व्हाइट ब्राउन दो तीन में और भी हो जाएगा मम्मी को दूध पिलाओ बच्चे को जाओ मम्मी को दूध पियो गाय को जन्म करने के बाद में उसको कुल्थी मेथी और गुड़ देते हैं गुड़ देना पहले से ही शुरू कर देते हैं 4-5 दिन पहले से ही गुड़ देना शुरू कर देते हैं तो ये देखिए उबलते हुए पानी में कुल्थी मेथी और गुड़ डाल दिया है अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको ठंडा होने पर गाय को खाने के लिए देंगे एक एक कटोरी इसमें कुल्थी मेथी डाली है यहाँ उड़ीसा में तो यही देते हैं और दूसरी जगह का तो मुझे पता नहीं यहाँ हम इससे कि गाय के पेट साफ़ हो जाए और उसके अंदर जो गंदगी बची हुई वो भी सारी बाहर निकल जाए
तो थोड़े दिनों तक गाय यही खाएगी और सूखी चीजें खाएगी। ये देखिए पंखा लगाया इसको ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद में गाय को ये देंगे, और गाय ये देने के बाद में, और गाय जन्म करने पे हमने मिठाई मंगवाई है, आप भी खा लीजिए। ये बछड़ा आप जो देख रहे हो, अभी गाय ने जेर नहीं डाला है। हम लोग जेर बोलते हैं, पता नहीं दूसरी जगह क्या बोलते होंगे। जेर डालने के बाद में ही हम उसका दूध निकालेंगे। तो बछड़े ने दूध पी लिया है, इसलिए ये चल रहा है। और जेर, जब तक गाय जेर नहीं डालेगी तब तक उसके पास ही बैठना पड़ता है, चाहे वो 3 घंटे में या 4 घंटे में जेर डाले, तो बिल्कुल भी वहाँ से हिलना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर गाय उस जेर को खा गई तो गाय मर जाएगी। इसलिए गाय के पास ही बैठे रहते हैं 4-5 घंटे तक में। हमने गाय को होम्योपैथी दवाई दे दी है जेर डालने के लिए, 2-3 डोज, तो हो सकता है वो जल्दी डाल देगी। तो और जेर डालने वाली क्लिप भी मैंने थोड़ी सी ऐड की है, और मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आप ये बात तो ध्यान रखें, कोई गाय रखने रख रहे हैं, नए जो गाय रखने वाले हैं जिनको नहीं पता है, गाय जन्म करने के बाद में जब तक वो जेर नहीं डाल देती है तब तक गाय के पास ही बैठना पड़ता है। जब वो जेर डाल देती है उसको, जेर को अच्छे से बाहर में दबा के आ जाते हैं, तो उसके बाद में ही दूध निकालते हैं। लेकिन जब तक वो जेर नहीं डालती है, चाहे वो दिन में जन्म करे चाहे रात में, जब तक जेर नहीं डालती है तब तक उसके पास बैठना पड़ता है, नहीं तो गाय उस जेर को खा गई तो गाय की डेथ भी हो सकती है। और प्लीज़, नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। और नए जो, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, तो आपको सभी कुछ समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो, स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, तो आप भी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ कमेंट करके बताना, थैंक यू। बड़े स्ट्रॉन्ग बेबी पैदा हुआ है। ये तीन है ना।